हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जब भी आप कोई न्यू चैनल स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगिंग चैनल, कुकिंग चैनल, एक्स वाई जी कोई भी चैनल स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास माइक नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ती है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर आप कहीं आउटडोर ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो ट्रैफिक का शोर, हॉर्न, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, तो इसलिए आपके भाई ने ले लिया है माइक। क्या मॉड्यूल है, कौन सा माइक है, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, सब आपको वीडियो में बताऊंगा। बने रहें वीडियो में साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई मैंने लिया है K8 का वायरलेस माइक। काफ़ी इसकी तारीफ सुनी थी और इसके अलावा काफ़ी इसके एड्स वगैरह भी चल रहे थे, तो काफ़ी इसकी तारीफ सुनी है। तो इसकी करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग। तो भाई ये हमारा माइक का बॉक्स है, K8 वायरलेस माइक। इसके पीछे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है माइक इसका, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको रखते हैं अभी साइड में। इसके बाद मिलता है कनेक्टर, जो टाइप सी पे बना हुआ है। टाइप सी की इसकी पिन है। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या है इस फोन के नीचे। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन और हैं। अगर आप आईफोन में लगाना चाहते हैं, आईफोन में भी ये कनेक्ट हो जाएगा, और एंड्रॉयड की पिन भी इसमें मौजूद है, एंड्रॉयड में भी इसकी पिन लग जाएगी। तो तीनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये एंड्रॉयड वाला है, ये टाइप सी वाला है, और ये आईफोन वाला है। और इसके अलावा इसमें देखते हैं और क्या है। ये तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसको तो कोई पता भी नहीं है। इसके अलावा इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। इसके अलावा इसमें हमें चार्जिंग केबल मिल जाती है, जो आप किसी भी चार्जर में लगा के इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइक हमारे पास आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अनबॉक्सिंग आपने अभी इसकी देखी होगी। ये इसका कनेक्टर है, आईफोन की पिन हमने इस पर कनेक्ट कर दी है। ये आईफोन की पिन अभी इसको हम अपने मोबाइल पर कनेक्ट करेंगे। और हमारे घर के पास में फ्लावर फेस्टिवल लगा हुआ है, वहाँ पर जाके इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, माइक की कैसी क्वालिटी है, कैसा साउंड ये रिकॉर्ड करता है। तो बने रहे वीडियो में साथ, वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं इस माइक की आपको क्वालिटी। ऑलराइट, तो भाई मैं आ गया हूँ फ्लावर फेस्टिवल में। ये पीछे देखें, सारा ये फेस्टिवल लगा हुआ है फ्लावर का, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये माइक मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने से। आवाज़ आप बताएंगे कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ ये रिकॉर्ड कर रहा है। पीछे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है पीछे। आप बताएंगे कि कैसी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, यहाँ पर फ्लावर फेस्टिवल लगा हुआ है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम थोड़े से लेट होगा, रात में पहुँचे हैं, दिन से लगा हुआ है यहाँ पर। ये आप ये देख सकते हैं, ये बच्चों का कंपटीशन हुआ है, उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अपने स्टॉल लगाए हैं, और ये सारा सजाया है फूलों का। अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं। ऐसे इवेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं, होने चाहिए ऐसे इवेंट, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ऐसे अच्छा लगता है, इनकी वजह से हम भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस, बहुत अच्छा फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पर फ्लावर का। बस एक चीज़ यहाँ पर है, कोई गाइड करने वाला नहीं है यहाँ पर, कि फूलों के बारे में बताने वाला नहीं है। हम तो सिर्फ दो फूलों के नाम जानते हैं, एक गुलाब का, एक गेंदे का फूल जानते हैं, और इसके अलावा तो हमें फूलों के बारे में ज़्यादा पता है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई होता फूलों के बारे में बताने वाला, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता हमारे लिए। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्टॉलों की तरफ। ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं सामने, आपको भी दिखाते हैं। ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर फ्लावर फेस्टिवल में, बच्चों के लिए बच्चों के टॉयज रखे हुए हैं सारे। काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, बच्चों की चीज़ें, खाने पीने के भी। ये इमिटेशन फ्लावर्स भी हैं यहाँ पर। इसके क्या प्राइस है मैम? 200 का एक फ्लावर है, और ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये रियल लग रहा है। इसके क्या प्राइस है? 400 का ईच है ये, काफ़ी रियल लग रहा है ये बिल्कुल।
देखने जा रहे हैं यहाँ पर फ्लावर लगे हुए हैं। लेंसेज आ रहे हैं, स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है, सारे स्टॉल्स लाइन से लगे हुए हैं। और भाई ये मेरी फेवरेट चीज़, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे वगैरह सारे लगे हुए हैं। ये कॉस्मेटिक आइटम, परफ्यूम्स वगैरह, मेरी फेवरेट चीज़ लगी हुई है परफ्यूम। अभी हम जा रहे हैं खाने पीने के स्टॉल की तरफ। मेरी वीडियो और खाना पीना उसमें ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम जा रहे हैं खाने पीने के स्टॉल जहाँ लगे हुए हैं सारे, वहाँ पर जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। देखें इतने सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, मीठे पान का स्टॉल है, ये फ्राइज का स्टॉल है। भाई ये कौन आइसक्रीम है भाई, ये क्या प्राइस है भाई इसके? ये 50 का एक है। 50 का एक कौन है ये? बड़ा टेस्टी लग रहा है दिखने में तो यार। दोनों खतरनाक झूले हैं भाई, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक झूले, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे इस पर बैठने में। फेंको 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 फेंको, अरे बच गया। अरे रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश यहाँ लगा हुआ है। ये 500 रुपये देखो भाई, सातवीं ट्राई कर रहे हैं बड़े भाई ये। ये अरे कितने रह गए, दो गिलास रह गए भाई, दो गिलास रह गए, बहुत मुश्किल है। चाचा आपस में चिपका दो यार, पीछे पीछे दे यार, भाई मारेगा बहुत नाम। अरे भाई भाई गिराओगे? गिराओ भाई, ढीले हाथ से मारना, प्यार से दर्द। हां ये 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 एक और मार दो। अरे ये क्या बात है, अबे अबे हां नबील एक गिर गए, एक मार, कोई गिर गए देख ले। नहीं नहीं एक मार यार, मारो। सो गाइस मैं यहाँ पर आया था माइक की क्वालिटी चेक करने, पर इतना अच्छा फेस्टिवल यहाँ पर लगा हुआ तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। तो मैंने ये माइक लिया है ऑफलाइन मार्केट से, 1800 रुपये का K8 मॉडल है इसका। ऑफलाइन मार्केट से मैंने 1800 का लिया, ऑनलाइन भी मैं देख रहा था 2200-2500 का ऑनलाइन मिल रहा था। तो मैंने ये सदर से लिया है ऑफलाइन मार्केट से 1800 रुपये का। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऑफलाइन मार्केट से फिज़िकली चेक करके ये माइक ख़रीदें कैसा है कैसा नहीं। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, माइक की आवाज़ आपको कैसी आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको वीडियो को लाइक कर दो, आगे शेयर कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।